अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई थी। भारतीय सेना का कहना था कि झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन घायल होने वाले चीनी सैनिकों की संख्या अधिक है। साल 1975 के बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में एक खूनी झड़प हुई थी। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। एलएसी पर कुछ भी निर्धारित नहीं है, इसलिए कभी कभी दोनों देश की सेनाओं को लगता है कि वो एक दूसरे की सीमाओं में आ गए हैं, तो ये विवाद का कारण बन जाता है। आइए जानते हैं भारत चीन के बीच विवाद क्या है। ये सरहद 3 सेक्टरों में बटी हुई है, पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद बना हुआ है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। आइए जानते हैं क्या है तिब्बत विवाद। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने यह समझौता किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत चीन का अंग रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चिन्ह पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दरअसल विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। यथा स्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है, दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। आपको बता दें कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ती हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। पेंगोंग उत्से विवाद को भी जान लेते हैं। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग उत्से हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से होकर गुजरती है। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफी महत्व है, क्योंकि ये झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत प्रशासित क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के एक तिहाई मामले इसी पेंगोंग उत्से के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। उन्हें लगता है कि सामने वाले देश के सैनिक उनके इलाके में आ गए हैं। गलवान घाटी विवाद। गलवान घाटी विवाद क्षेत्र अक्साई चिन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC अक्साई चिन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा से सटा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का ये इलाका जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। चीन गलवान घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी इसलिए कहता रहा है, क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी सामरिक निर्माण करना चाहता है। डोकलाम विवाद। साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी विवाद हुआ था, जो 70 से 80 दिनों तक चलता रहा। वैसे तो डोकलाम चीन और भारत के बीच का विवाद है, लेकिन ये इलाका सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है।
ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यानी भारत, चीन और भूटान तीनों की ही सीमाएं यहां मिलती हैं। यही वजह है कि सारा इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से भी काफी अहमियत रखता है। अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता है तो भारत की चिकन नेक खतरे में पड़ सकती है। चिकन नेक उस 20 किलोमीटर चौड़े इलाके को कहते हैं जो दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर भूटान की सीमा के बीच का इलाका है। यही जगह भारत को पूर्वोत्तर भारत से भी जोड़ता है। साथ ही भारतीय सेना के जानकार मानते हैं कि डोकलाम के नजदीक पड़ने वाला सिक्किम ही वो इलाका है जहां से भारत चीन की कोशिशों पर किसी तरह का हमला कर सकता है। सीमा पर हिमालय में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे भौगोलिक तौर पर भारतीय सेना अच्छे से समझती है और इसका सामरिक फायदा ले सकती है। भारतीय सेना को यहाँ ऊंचाई का फायदा मिलेगा जबकि चीनी सेना भारत और भूटान के बीच फंसी होगी। तवांग विवाद। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानता है। चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। यही वजह है कि दलाई लामा ने जब तवांग के बौद्ध मठ का दौरा किया था तब भी चीन ने इसका काफी विरोध किया था। नाथुला विवाद। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से ये दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में है। 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिए जाने पर साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को खोला गया क्योंकि 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन साल 2020 के मई महीने में खबर आई थी कि नाथुला दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां भी बनाई हुई हैं। इन कमेटियों का काम ये देखना है कि जब तक सीमा निर्धारण का काम नहीं हो जाता तब तक जो भी सीमा विवाद के मसले आएंगे उन्हें बड़े तनाव में बदलने से रोका जा सकता है ताकि युद्ध की स्थिति ना बने। भारत चीन सीमा विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधियों यानी SR अब तक कई बैठकें भी कर चुका है।